लव जिहाद के विरोध में देवबंद दारुलूम से फतवा जारी करने जा रहे क्रांति सेना के पदाधिकारियों को पुलिस ने किया नजरबंद। क्रांति सेना ने किया ऐलान, अगली बार 500 लोगों का प्रतिनिधिमंडल जाएगा देवबंद। क्रांति सेना के महासचिव मनोज सैनी, जिलाध्यक्ष मुकेश त्यागी को पुलिस ने नजरबंद किया, तो वहीं सहारनपुर पुलिस ने भी क्रांति सेना के पदाधिकारियों को घर में ही नजरबंद कर रखा है। थाना सिविल लाइन पुलिस ने भी कार्यालय पर मौजूद सभी पदाधिकारियों को नजरबंद कर पहरेदारी कर रही है। आज क्रांति सेना का एक प्रतिनिधिमंडल दारुल उलूम में जाकर उनसे फतवा जारी कराने की मांग उनसे करनी थी हम लोगों को, और यह कार्यक्रम पूरी तरह शांतिपूर्वक था, प्रशासन की नॉलेज में था और देवबंद मदरसे के द्वारा दिए हुए समय के अनुसार था। क्योंकि ना कोई विरोध प्रदर्शन था, ना कोई विरोध के स्वरूप रैली थी, लेकिन आज प्रशासन ने जिस तरीके से इस शांतिपूर्वक कार्यक्रम को हाउस अरेस्ट करके अपना कार्रवाई की है, वो बहुत निराशाजनक और इसकी जितना निंदा की जाए उतना कम है। क्रांति सेना के महासचिव मनोज सैनी जी शामिल हैं उसमें, योगेंद्र सिरोही सहारनपुर में है वरिष्ठ उपाध्यक्ष क्रांति सेना के, वहाँ के जिलाध्यक्ष हैं नीरज रोहिला, इसके अलावा यहाँ पर मुकेश त्यागी शिवसेना जिलाध्यक्ष, क्रांति सेना के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुज चौधरी, और इसके अलावा जितने भी लोग हैं सबके यहाँ पुलिस ने जाकर दबिश दी है और बैठी हुई है, वो व्यक्ति घर पे है नहीं है, पुलिस घर बैठ रही है उनके। आज चूँकि हमारा कोई विरोध का कार्यक्रम नहीं था, आज एक शांतिपूर्वक प्रतिनिधिमंडल का कार्यक्रम था जाने का, और प्रशासन ने धींगा मस्ती के बल पे अपनी ना जाने किस कारण से हमारे लोगों को रोका है, लेकिन इस मुद्दे पर क्रांति सेना अब बड़ा आंदोलन करेगी। चूँकि लव जिहाद का मुद्दा एक बड़ा भयावह रूप ले चुका है, दर्जनों लड़कियों का मर्डर अभी एक महीने के अंदर अंदर हो गया है, हाथों में कलावा बांधकर मुस्लिम युवक नाम बदलकर हिंदू लड़कियों को फंसाते हैं, उनका धर्मांतरण करते हैं, लेकिन इस मुद्दे पर ना तो सरकार, ना ही शासन और ना ही भाजपा के नेता जो अब तक हिंदुत्व का राग अलापते थे, उन्होंने कोई ऐसे मुद्दों पर कोई उन्होंने ना चिंता व्यक्त की, ना ही इन्हें रोकने के लिए कोई कारगर कदम उठाए। क्रांति सेना ने आज जिस तरीके से दारुल उलूम से फतवा मांगने की कोशिश की थी कि मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व करने वाली यह संस्था मुस्लिम युवकों के इन कृत्यों का विरोध करती है समर्थन, लेकिन उसे शांतिपूर्वक को आज विफल कर दिया प्रशासन के द्वारा, और इस संबंध में हमारी बैठक चल रही है और शीघ्र ही इसमें नई तारीख की घोषणा होगी, और इस बार 10 लोगों का प्रतिनिधिमंडल नहीं, 500,000 लोग कूच करेंगे देवबंद मदरसे की तरफ, और जब कोई प्रशासन रोकेगा तो उससे हम भी अपने तरीके से निपटेंगे।